साथ दिया है मां महागठबंधन का, उनका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। शायद ही एकाध सीट है जहां हम लोग का अच्छा नहीं हुआ, उस जगह प्रशासन की वजह से, और नहीं तो प्रायः सभी सीटों पर कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूनम देवी 24 साल के बाद जदयू छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पूनम देवी को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई, तो वहीं अखिलेश सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, बड़ा दावा किया है अपनी जीत का और यहां तक कह दिया है कि जो सीटें भाजपा की गढ़ मानी जाती थी उन सीटों पर भी भाजपा हारने वाली है और कांग्रेस जीत रही है इन तमाम सीटों पर। तो वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूनम देवी कहती नजर आए कि मेरा 24 साल का जो वनवास है वो खत्म हुआ है और 24 साल के बाद मैं कांग्रेस में वापस आई हूँ। साथ ही वो बताती नजर आई कि उन्होंने वापस कांग्रेस की सदस्यता क्यों ग्रहण की, साथ ही भाजपा पर निशाना साधा, भाजपा को बेरोजगारी के लिए आरोपी बताया, तमाम तरीके के आरोप लगाती नजर आ रही थी भाजपा पर, जदयू पर। साथ ही कह रही थी कि उनका 24 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है जिसके बाद आज वो फिर से कांग्रेस में शामिल हुई हैं। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कह रही थी पूनम देवी, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। इंद्रमणि जी जो पटना जिला के उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, तमाम सभी भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो हमारे बहुत नए नए भी पत्रकार जुड़ गए, नए 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 लोग भी जुड़ गए। उनको पता नहीं होगा कि हम 1985 में कांग्रेस से जुड़े थे और इसी सदाकत आश्रम में भी आए थे पहली बार। और कांग्रेस से जुड़ने के बाद मसौरी से हमको विधानसभा का टिकट मिला था और मसौरी से हम काफी वोट से वहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1990 में भी चुनाव लड़े, लेकिन कुछ उस समय का ऐसा माहौल था जिसके वजह से मात्र 259 वोट से हार गए। फिर 1995 में भी जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो 3500 वोट से हार गए। फिर 1996 में सभी लोग का विचार हुआ कि बाढ़ से इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। उस समय बाढ़ में लोकसभा क्षेत्र था, नीतीश कुमार जी थे, विजय कृष्ण थे और हम कांग्रेस पार्टी से थे, तो उस समय लोकसभा का चुनाव हार गए थे। फिर जो माहौल बिहार का एक ऐसा बना जिसमें लोगों का विचार हुआ कि कांग्रेस की स्थिति क्षेत्र में दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है और खास करके ये सब जगहों पर, तो आप नहीं तो समता पार्टी में आ जाइए। तो मेरा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समता पार्टी में चले गए। तो आज हम यही करना चाहेंगे कि श्री राम जी का तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन हम 24 वर्ष के वनवास काटने के बाद फिर हम पुनः सदाकत आश्रम में आए हैं। लेकिन यह जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 में, यह हर दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और जो भी हमारे जिला के लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं तमाम सभी लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो सबको एक होना पड़ेगा। और नहीं तो ये देश दिन प्रतिदिन हमारे युवा भाई बेरोजगार बने हुए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है,
क्षेत्र में जाकर के काम करना है। हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे तो जहाँ विभिन्न मंचों से हम अपनी बात को रखेंगे। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि भाई अखिलेश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के यहाँ स्थिति बहुत सुधार होगी। आज हमारे कांग्रेस के गांव गांव में भी सर है, उनको जागृत करने का जरूरत है। जैसे हर गांव में जहाँ दिखाइएगा 2, 4, 10, 20 कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग आ गए, हम लोग जाकर उनको जागृत करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। कैसे मोबाइल जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है तो चार्ज में लगा देते हैं, वैसे उनको चार्ज में लगा करके चार्ज करेंगे और उनसे काम लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार प्रदेश में अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस और पूरे देश में भी रहेगा। आज इस अवसर पर मुझे गलती हो गई, शुरू में ही हम ये बात बोलनी चाहिए थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और साथ ही युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश में 4,000 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा किया हो, तो 4,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी को हम यही शुभकामना देना चाहते हैं कि आप देश के बाग और अपने हाथ में संभालिए और देश को संचालित कीजिए और देश बेचने वाले आदमी को गद्दी से उतारिए। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। जय हिंद। मित्रों, इस अवसर पर आपको उपस्थित लालबा बुला जी, अंबु झा जी, राजेश राठौर जी, संजय यादव जी, सुमन मल्लिक जी, श्री भूजन बाबू, नरेंद्र कुशवाहा जी और पूनम जी के सभी सहयोगी, हम हृदय से पूनम जी का कांग्रेस में स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से पटना की दोनों सीटें, जहानाबाद की सीट और बिहार में हर जगह इनके साथ काम करने वाले लोग महागठबंधन के पक्ष में और महागठबंधन की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। 4 चरण का चुनाव अभी तक हुआ है और बिहार में जिस तरह से लोगों ने, यहाँ के मतदाता भाइयों ने साथ दिया है महागठबंधन का, उनका मैं हृदय से शुक्रगुजार। शायद ही एक आध सीट है जहाँ हम लोगों का अच्छा नहीं हुआ, उस जगह प्रशासन की वजह से, और नहीं तो प्रायः सभी सीटों पर कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जो सीट इनका गढ़ समझा जाता था वो भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई। 3 चरण का चुनाव अभी बचा हुआ है, 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण। इसमें सभी महागठबंधन के साथी, महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए हैं। आज भी मेरा कार्यक्रम था लेकिन पूनम जी का हुआ। पूनम जी का बड़ा व्यक्तित्व है और 85 में ये मिले हो, 39-40 साल का इनका लंबा अनुभव और इनकी करिश्ता हम लोग सभी जानते हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से लाभ होगा। कोई सवाल है?